ये डाई है और ये है बेक्स इंजेक्टर, इसमें इससे बेक्स भरा जाता है, मतलब भरो इसमें बेक्स भरी है, बेक्स भर गया, उसके बाद इसमें से मास्क को पीस निकाल लिया जाता है बेक्स का। ये देखिए ये बेक्स पीस निकल जाता है, उसके बाद इसको ट्री में लगा दिया जाता है। ये बेक्स पीस को यहाँ पर हमने ट्री में लगा दिया। ट्री में लगाने के बाद इसको यहाँ पर ये जो फ्लास्क रखा हुआ है, इस फ्लास्क के अंदर इसको सेट कर दिया जाता है। फ्लास्क में सेट ऐसे और नीचे की तरफ इसमें टेपिंग लगा दी जाती है। ये देखिए इसके अंदर हमने इसको अच्छी तरह से लगा दिया, कहीं से ये अड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, चारों तरफ इसको स्पेस मिलना चाहिए। ये है पाउडर और ये है पानी। पाउडर भूल गया जाता है। पाउडर को अच्छे से मिक्स करना है और इसमें कुछ बबल्स वगैरह या कुछ भी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद इसको ये वैक्यूम में रख दिया है। ये देखिए वैक्यूम का मीटर अभी शून्य है। जब वैक्यूम चालू होता है तो पूरा वैक्यूम ले लेती है मशीन। इसके सारे जितनी भी एयर है ना इसके अंदर, उसको बाहर निकालने के लिए ही वैक्यूम लिया जाता है। पाउडर अगर एयर रहेगी तो कास्टिंग सही नहीं आएगी, इसलिए वैक्यूम लिया जाता है। अब इसका वैक्यूम की हवा निकाल दी। इसमें पाउडर डालते वक्त ध्यान रखना पड़ता है कोई पीस तो नहीं टूट रहा, अगर पीस टूटता है तो पूरी कास्टिंग खराब हो सकती है। पाउडर डालने के बाद इसको फिर से वैक्यूम लिया जाएगा। देखिए इसमें से हवा बाहर निकल रही है ना, जितना भी इसमें बबल्स वगैरह हवा वगैरह कुछ होती है सबको बाहर निकालना पड़ता है वैक्यूम करके। अगर इसमें थोड़ी बहुत ही हवा रह जाती है तो फिर दिक्कत हो जाती है, कास्टिंग सही नहीं आ पाती। अब ये हो गया प्लास्टर का काम। अब ये प्रोसेस होने के बाद इसको एक घंटे बाद इसका जो टेप लगा हुआ है ना, इस सार टेप को हटा दिया जाता है। और टेप हटाने के फिर ये जो अपनी भट्टी है इसके अंदर रख दिया जाता है। इसमें रखने के बाद इसको 750 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। 750 टेम्परेचर पे गर्म करने के बाद ये मेल्टर है, इस मेल्टर में रख के और सिल्वर डाल दी जाती है और उसके बाद कास्टिंग का आगे का प्रोसेस चालू होता है।